बिहार के पटना में चुनावी बिगुल फूंकेंगे पीएम मोदी, आज एनडीए की संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में भी गरजेंगे पीएम। कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस, आज हरियाणा में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन, पार्टी के कई बड़े दिग्गज करेंगे शिरकत। लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे ने बढ़ाई पार्टियों की परेशानी, आज टिकट वितरण को लेकर बैठक करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, सूबे में 38 सीटों पर ताल ठोक रही है पार्टी। किसानों के सहारे अपनी नैया पार लगाएगी मोदी सरकार, चुनाव से पहले किसान सम्मान योजना के तहत एक और किश्त खाते में डाल सकती है सरकार, एक साल में मिलेंगे 6,000 रुपए। आतंकवाद को लेकर कमलनाथ सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी में पनपते हैं आतंकी, देश को इससे बचकर रहना चाहिए। बुंदेलखंड में योजनाओं के बहाने चुनाव पर निशाना लगाएगी बीजेपी सरकार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बुंदेलखंड में 515 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आज से 3 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सुलूर में 5 बस रिपेयर डिपो को प्रेसिडेंट कलर भेंट करेंगे राष्ट्रपति, कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र का भी करेंगे दौरा। जम्मू और कश्मीर के शोपियां में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेरा। भारत और पाकिस्तान सीमा पर कम हुई तनाव की स्थिति, आज से फिर शुरू होगी समझौता एक्सप्रेस, पाक की नापाक करतूत के बाद भारत ने बंद की थी रेल सेवा। और मार्च में भी मौसम ने नहीं बदली करवट, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी जारी की गई चेतावनी, आज पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।